समस्त वनस्पति, पशु, सूक्ष्म जीव और पृथ्वी पर घटने वाली सभी प्राकृतिक समृद्धियां पर्यावरण को परिभाषित करती हैं। पेड़ पौधों, पशुओं और मनुष्यों का स्वास्थ्य पर्यावरण के साथ होने वाली अंतःक्रिया पर निर्भर है। ये सभी जीव तब स्वस्थ कहलाते हैं जब ये बीमारियों से मुक्त हों। आमतौर पर दो श्रेणियां बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं, कुछ खनिज पदार्थों की अपूर्णता या आधिक्य और रोगाणु। रोगाणु इतने सूक्ष्म हैं कि इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। ये चार किस्म के हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ। ये सभी जीवों पर हमला करते हैं और उन्हें बीमार कर सकते हैं। खनिज पदार्थ भोजन, पानी और सांस द्वारा शरीर में अनिवार्य रूप से पहुंचते हैं। मनुष्य और पशुओं को अपनी सामान्य गतिविधियों के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, मगर बेहद न्यून मात्रा में। इनके अभाव से अपूर्णता संबंधी रोग हो सकते हैं। आयोडीन एक आवश्यक खनिज पदार्थ है। थायराइड हार्मोनों के संयोजन में इसकी जरूरत होती है। थायराइड गले में स्थित एक ग्रंथि है जो शरीर से आयोडीन लेकर हार्मोन उत्पन्न करती है। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म तथा ऊर्जा के इस्तेमाल को नियंत्रित करते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है। इस दशा को गोइटर या घेगा कहा जाता है। आयोडीन अपूर्णता रोग मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास को प्रभावित करता है। आयोडीन मिट्टी की ऊपरी परत में पाया जाता है। ये भारी वर्षा और बाढ़ के कारण आसानी से मिट्टी से अलग हो जाता है। पानी के घुलनशील होने के कारण खनिज पदार्थ विभिन्न मात्रा में सरलता से इसमें मिल जाते हैं। ऐसे पानी का बहाव अगर बहुत बड़े क्षेत्र में है तो वो उपयोग के लिए असुरक्षित हो सकता है। भूमिगत जलधारा चट्टानों और मिट्टी की सतह के नीचे बहते हुए कई पदार्थों को अपने अंदर घोल लेती है। मिसाल के लिए जब आर्सेनिक चट्टानों से छूटकर ग्राउंड वाटर यानी भूमजल में घुल जाता है तो खतरनाक साबित हो सकता है। गंगा डेल्टा, खासकर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में आर्सेनिक बहुतायत से पाया जाता है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग आर्सेनिक के विषैलेपन से जुड़ी बीमारियों के शिकार हैं। पेयजल में मौजूद आर्सेनिक शरीर जब्त कर लेता है, जो रक्त प्रवाह द्वारा जिस्म में फैल जाता है। त्वचा, गुर्दे और फेफड़ों पर हानिकारक असर पड़ता है और चरम मामलों में कैंसर तक हो सकता है। भारत में भौमजल आज भी पेयजल का प्रमुख स्रोत है। ग्रामीण आबादी का लगभग 90% भाग पीने व घरेलू कामकाज के लिए भौमजल का प्रयोग करता है। इसमें फ्लोराइड प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। फ्लोराइड अगर सूक्ष्म मात्रा में मिले तो दांतों का क्षय रुकता है, लेकिन फ्लोराइड युक्त पानी को लगातार पीने से फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस दांतों और हड्डियों को प्रभावित करता है। शरीर की हड्डियों और दांतों में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। फ्लोराइड दांतों का इनेमल बनाने वाली कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है। इस स्थिति को डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। इनेमल दांतों का बाहरी आवरण है जो मुख्यतः कैल्शियम से बना है। जब ऐसे पानी का उपभोग किया जाता है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो तो कोशिकाओं का कैल्शियम घट जाता है।
कोशिकाओं के क्षय होने पर भुरभुरा और पतला एनेमल बनने लगता है। दांतों में पीली, भूरी, काली लकीरें या धब्बे नजर आते हैं। आमतौर पर ये परमानेंट यानी स्थायी दांतों को प्रभावित करता है। फ्लोराइड का दूसरा दुष्प्रभाव हड्डियों पर पड़ता है। जब फ्लोराइड की खपत ज्यादा हो तो उसकी परत हड्डी पर जम जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इस अवस्था को स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं। भारत में फ्लोरोसिस की सबसे आम वजह है फ्लोराइड युक्त पानी का उपभोग, जो गहरे बोर के कुओं से मिलता है। इसलिए इस आबादी के बहुत बड़े भाग के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे मौजूद हैं। पृथ्वी पर ताजे पानी की उपलब्धता सीमित है, 3% से भी कम, और यही पेयजल का स्रोत है। पूरी दुनिया में ताजे पानी के अधिकाधिक शोषण से पेयजल के स्रोत जोखिम में पड़ गए। ताजे पानी के प्रदूषित होने के मुख्य कारण हैं जल संसाधनों का अनुपयुक्त प्रबंध, एफ्लुएंट्स यानी औद्योगिक बहिष्प्रवाहों का घुलना, और कृषि भूमि से बहकर आने वाला पानी। बेहद संदूषित होने के साथ साथ इस पानी में कई प्रकार के रोगाणु मौजूद होते हैं। सतह पर फैलने के अलावा यह भूमिगत जल में भी मिल जाता है। मौसम, जलवायु परिवर्तन और संदूषित पानी विभिन्न संक्रामक बीमारियों के कारण बन जाते हैं। ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय इलाकों में गर्म और आर्द्र जलवायु के कारण वेक्टर यानी रोगवाहक जैसे मच्छर प्रजनन करते हैं। मच्छर और मक्खियां बीमारी फैलाने के आम वाहक हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है, जो रोगवाहक संक्रामक बीमारी है। मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति का रक्त पीता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। फिर पैरासाइट यानी परजीवी जिगर में पहुंच जाते हैं, विकसित होने पर एक दूसरे स्वरूप मेरोजोआइट्स को छोड़ देते हैं। ये रक्त प्रवाह में मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर को बढ़ने के लिए अनुकूलतम तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मलेरिया की मौजूदगी वर्ष के समय पर निर्भर करती है, जैसे नम और शुष्क मौसम। बेहद ठंडे इलाकों में मच्छर नहीं पनप सकते और इसलिए वहां मलेरिया नहीं फैलता। लेकिन अब तापमान में वृद्धि हो रही है तो मलेरिया की ये सीमा रेखा भी ऊपर उठ सकती है। दुनिया भर में रोगवाहकों के नए प्रकार जन्म ले रहे हैं। चिकनगुनिया का वायरस इनमें से एक है। यह एडीज इजिप्टी नामक मच्छर के जरिए फैलता है। इस मच्छर का मूल अफ्रीका में है, मगर अब ये पूरी दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। एडीज इजिप्टी ठहरे पानी में प्रजनन करता है। यही मच्छर डेंगू के लिए भी जिम्मेदार है। बढ़ता शहरीकरण और उससे जुड़ी समस्याएं जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, अपर्याप्त जल आपूर्ति और कूड़े की बद इंतजामी से मच्छर प्रजनन के स्थान बढ़ जाते हैं। अन्य प्रकार की बीमारियों, खासकर पानी से फैलने वाली बीमारियों में भी बेहद वृद्धि हो जाती है। कॉलरा यानी हैजा संदूषित पानी और भोजन से फैलता है। विब्रियो कॉलरे नामक बैक्टीरिया हैजे के लिए जिम्मेदार है।
दस्त से शरीर में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलन होता है। जिन इलाकों में सीवर और पेयजल का सही इंतजाम नहीं है, वहां हैजा तेजी से फैलता है। फौरन इलाज न करने की दशा में मौत भी हो सकती है। मनुष्य आमतौर से बैक्टीरिया संबंधित बीमारी का इलाज एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल से करता है। एंटीबायोटिक दवाइयां शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर उसे बढ़ने से रोकती है, लेकिन कई मामलों में यह दवा ही दुश्मन बन जाती है। रोगाणुओं ने एंटीबायोटिक को अप्रभावी करने के लिए अपने नए प्रकार पैदा कर लिए हैं। एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधात्मकता समय के साथ बढ़ती है। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक से मुकाबला करने की क्षमता होती है। जब कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक लेता है तो वो संवेदनशील बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, लेकिन जो बैक्टीरिया प्रतिरोध कर सकते हैं वो बच जाते हैं। इन बचे हुए बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है और धीरे धीरे इनकी प्रतिरोध करने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी जैसा संक्रामक रोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। टीबी का मरीज जब खांसता या थूकता है तो उसमें मौजूद रोगाणु हवा में फैल जाते हैं। ये स्वस्थ लोगों की नाक या मुंह से प्रवेश कर उन्हें भी रोगी बना देते हैं। भीड़ भाड़ और गंदगी इस बीमारी की स्वाभाविक दशाएं हैं। हालांकि अधिकांश लोगों में रोगाणु मौजूद होते हैं, लेकिन ये तब हावी होते हैं जब किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी या प्रतिरक्षण घट जाता है। रोगाणु मनुष्य के शरीर के अलावा पेड़ पौधों, पशुओं, मिट्टी, भोजन और पानी में पनपते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए इन रोगाणुओं को कीटनाशक दवाइयों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर कीटनाशक नुकसानदायी होते हैं। ये मिट्टी की उत्पादन क्षमता पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। मिट्टी अपनी उर्वरता के लिए जिन लाभकारी जीवों पर निर्भर है उनका नाश हो जाता है। फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक जमीन की ऊपरी सतह तक ही नहीं रहते, बल्कि रिसकर भौम जल में मिल जाते हैं। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। पूरी दुनिया में ऑर्गेनोक्लोराइन कीटनाशक के अवशेष मनुष्य और उसके पर्यावरण में पाए गए हैं। लोगों के खून, चर्बी और दूध के नमूनों में इनकी भारी मात्रा पाई गई है। कीटनाशकों में मौजूद रसायन चर्बी में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। स्तनपायियों द्वारा उत्पादित दूध में चर्बी की खासी मात्रा होती है। जो इस दूध का आहार लेते हैं उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ये विषैले रसायन लंबे अरसे तक पर्यावरण में मौजूद रहते हैं। इनमें से कुछ बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण नहीं होते। वो फूड चेन यानी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर पेड़ पौधों और पशु शरीरों में बने रहते हैं। इस आहार श्रृंखला में मनुष्य सबसे ऊपर है। वो जीवित रहने के लिए वनस्पति और पशुओं पर निर्भर है। फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर में इन विषैले रसायनों को भारी मात्रा में इकट्ठा करता रहता है। इस समृद्धि को बायोमैग्निफिकेशन या जैविक विस्तारण कहते हैं। आज दुनिया में बढ़ती सचलता के कारण रोगाणुओं का फैलाव भी तीव्रतर हो गया है। इन्फेक्टेड यानी संदूषित पक्षी, पशु या इंसान एक से दूसरी जगह आते जाते हैं। अत्यंत संक्रामक एवियन इन्फ्लुएंजा पक्षियों की बीमारी है, जिसे बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई थी। इतिहास में इससे पहले कभी भी
इतने देश एक साथ प्रभावित नहीं हों। इसका कारक H5N1 वायरस काफी अड़ियल रोगाणु है, जो कई परिस्थितियों में जीवित रह सकता है। सारस, हंस, बत्तख ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स यानी प्रवासी पक्षी हैं, जिनमें यह वायरस पलता है। ये पक्षी अपनी बीट, थूक या स्रावी उत्सर्जन द्वारा इस वायरस को फैलाते हैं। माना जाता है कि संदूषित पोल्ट्री और वस्तुओं के संपर्क से ही मनुष्यों में यह रोग फैलता है। इन कारणों के अलावा और भी ऐसी परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती हैं। बढ़ते शहरीकरण की वजह से कई लोग अपनी आजीविका के लिए औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। इससे अनेक प्रकार की पेशाजनित बीमारियां पैदा हो गई। लंबे समय तक धूल या गैस के संपर्क में आने से ये बीमारियां होती हैं। इनसे फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सिलिकोसिस की बीमारी सांस में क्रिस्टलाइन सिलिका घुल जाने से होती है। सिलिका प्रकृति में पाया जाने वाला आम खनिज है। ये अधिकांश चट्टानों में मिलता है और इसके खनन से धूल बन जाती है। खनन के दौरान जब सांस लेते हैं तो सिलिका कण फेफड़ों की थैलियों में पहुंच जाते हैं। शरीर की रक्षा प्रणाली फौरन इन सिलिका कणों पर हमला बोल देती है। नतीजे में फेफड़े के टिश्यू यानी ऊतक मर जाते हैं। इससे जलन और सूजन होती है। ऊतकों की क्षति से रक्त में ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता, फलस्वरूप सामान्य श्वसन पर असर पड़ता है। धूल का केंद्रीकरण जितना घना होगा, श्वसन रोगों की दर उतनी ही अधिक होगी। ऐसी ही पेशाजनित फेफड़े की बीमारी है एस्बेस्टोसिस, जो सांस में एस्बेस्टोस जाने से होती है। चमड़ी की फैक्ट्री और कोयला खानों के मजदूरों के लिए भी श्वसन रोग एक बड़ी समस्या है। हमारे पर्यावरण में प्रदूषक हर कहीं मौजूद हैं। कोई विशिष्ट पदार्थ अपने आप में प्रदूषक नहीं होता। प्रदूषक वो कहलाता है जो बहुत बड़ी मात्रा में केंद्रीकृत होकर स्वास्थ्य का संपोषण कठिन कर देता है। शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण श्वसन रोगों में वृद्धि की एक और वजह है। उद्योगों के अनियोजित स्थान, ट्रैफिक की मारामारी और बढ़ता ऊर्जा उपभोग गंभीर समस्याएं खड़ी कर रहा है। इनके कारण विषैली गैसें, फ्लाई ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और पार्टिकुलेट मैटर वातावरण को और प्रदूषित कर रहे हैं। हवा में फैला धुआं, कालिख, धूल और ईंधन दहन से निर्मित सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी SPM शहरों में वांछित सीमा से कहीं अधिक हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के अनुसार वायु के प्रति क्यूबिक मीटर में SPM की मात्रा 90 माइक्रोग्राम से कम होनी चाहिए, लेकिन काफी शहरों में ये कई गुना ज्यादा है। औद्योगिकरण, ऊर्जा उपभोग और आधुनिक जीवन शैली तेजी से हो रहे विकास का कारण भी है और नतीजा भी। लेकिन यह जरूरी है कि विकास के बढ़ते कदम प्रकृति के नाजुक संतुलन को नष्ट न करें। पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच की कड़ियां बेहद जटिल हैं। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण मानव गतिविधियों का दुष्प्रभाव न सिर्फ मनुष्य बल्कि सभी जीवों पर हावी होगा। एक संपोषणीय भविष्य के लिए मनुष्य और प्रकृति के बीच का तालमेल हमेशा कायम रहना चाहिए।